जब कॉल दूं तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। आपने घर घर जाना है, सियासत नहीं तबलीग करनी है। इमरान खान का कारकुनों से खिताब, कहा डी चौक पर बच्चों और खवातीन पर शैलिंग की गई। चोरों ने महंगाई महंगाई और साजिश करके हुकूमत गिराई। दो माह में सूरत हाल सबके सामने। तीन दिन बाद चोर दरवाजे से पंजाब का 32 खरब 26 अरब रुपए का बजट पेश। मकामी हुकूमतों के लिए 5 खरब 28 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% जबकि पेंशन में 5% इजाफा। मजदूर की कम अज कम उजरत 20,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की तजवीज़। स्टैंप ड्यूटी की शरह को 1 से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़। मराहत याफ्ता तबके को टैक्स नेट में लाया जाएगा। तरक्याती बजट का 40%, सोशल सेक्टर 24%, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जाएगा। पंजाब में सड़कों की तमीर और मरम्मत के लिए 35 अरब रुपये मुख्तस। इनके पास ऐवान इकबाल में सेशन बुलाने का इख्तियार नहीं। पंजाब असेंबली के अलावा बुलाए गए इजलास की कानूनी हैसियत नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कहते हैं ऐवान इकबाल के बजाय इजलास रायबंड में रख लेते, बजट को हर फोरम पर चैलेंज किया जाएगा। पंजाब असेंबली बेख्तियार, स्पीकर के इख्तियारात महदूद। सूबाई असेंबली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया। वजीर आला हमजा शहबाज का आमराना ऑर्डिनेंस जारी। फवाद चौधरी कहते हैं ऑर्डिनेंस मार्शल लॉ के मनाती है, आमरियत के खात्मे के लिए हर कुर्बानी देंगे। प्राइम मिनिस्टर का करप्ट बेटा ढोंग इंतखाब से गैर कानूनी तौर पर काबिज हुआ। सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा सियासी इंतशार की जद में है। इमरान खान फिक्रमंद, ट्वीट में लिखा हर तरफ मुझे माफिया दंदनाता दिखाई दे रहा है। पुलिस और इंतजामिया इस माफिया से मिल चुके हैं। हुकूमत परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। FIA का सियासी इस्तेमाल शुरू। मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में मुकदमा दर्ज, 2 करीबी साथी गिरफ्तार। केसेस में परवेज इलाही को भी तलब करने की तैयारियां। मोनिस इलाही FIA ऑफिस पहुंच गए, कहते हैं इंतकामी कार्रवाइयों का जुर्रतमंदाना जवाब दे दिया। इन्होंने गिरफ्तार करने का प्लान किया था, खुद FIA में पेश हुआ हूँ। गिरफ्तार करना है तो कर लें, मुकदमात से डरने वाला नहीं, कुछ भी कर लें, इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। कौमी सलामती कमेटी ने बैरूनी मदाखलत की तस्दीक की। रास्ते में पाकिस्तान को बराह रास्त धमकी दी गई। असद उमर कहते हैं कहा गया अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान तनहा हो जाएगा, कामयाबी पर सब कुछ माफ कर देंगे। सियासी मामला सियासतदान हल करें तो बेहतर होगा। इमरान खान जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को दोबारा खत लिखेंगे। शीरी मजारी बोली साजिश में मुलव्वस अफराद के नाम सामने आने चाहिए। शहबाज शरीफ 14 करोड़ से जायद के मकरूज, 24 करोड़ 50 लाख से जायद असासों के मालिक निकले। अरकान पार्लियामेंट के असासों की तफसीलात जारी। बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़ के हामिल, बैंक बैलेंस 12 करोड़ से जायद। बैरून मुल्क कारोबार भी जाहिर किया। आसिफ जरदारी 71 करोड़, 4 लाख से जायद के असासों के मालिक निकले। बैरून मुल्क कोई कारोबार नहीं। इमरान खान के 14 करोड़ 21 लाख से जायद के असास। नाकाम हुकूमती पॉलिसियां, डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 1 रुपये 30 पैसे महंगा, 206 रुपये 46 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 1 रुपये महंगा, 207 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हुआ। मुल्की कर्जों में 2400 अरब रुपये का इजाफा हो गया।